हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सेफ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। मैं आज के वीडियो में आपको अपने हस्बैंड का हेयर कट करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन टाइम में हम लोग बाहर तो निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हेयर कट भी ज़रूरी हो गया था। काफ़ी टाइम से वो बोल रहे थे मुझसे कि हेयर कट कर दो मेरा, तो मैं ट्राई कर रही हूँ आज। होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे किया। और अगर आपको अपने भाई बहन हस्बैंड जिनका हेयर कट आप करना चाहते हैं तो मे भी आपको हेल्पफुल हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। हेलो गाइस, आज मैं अपने हस्बैंड का हेयर कट करने वाली हूँ, और ये लॉकडाउन टाइम चल रहा है तो इसमें हेयर कट बाहर करवाने तो जा नहीं सकते हैं, तो मैं आज इनका हेयर कट घर पर ही करने वाली हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हेयर कट के लिए मैं यूज़ करी हूँ एक हीकॉम और ये स्प्रे बॉटल और ये सीजर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बालों को गीला कर दीजिए। कानों के टॉन्स ये सारे बहुत बढ़ गए हैं, तो इनको मैं जस्ट सेट करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ कुछ। तो पहले मैं देख रही हूँ कि यहाँ सामने के बालों को कितना लेंथ रखना है, तो मैं इनको सिर्फ आईब्रो से थोड़ा सा ऊपर कट करने वाली हूँ आगे के बालों को। अभी इससे आगे के बालों को एक बराबर कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा है उनको ही कट करना है, लेकिन कट करने से पहले कान को भी नीचे थोड़ा सा मोड़ लो। और ये जो साइड में ऐसे हो सही से लाइन में ले आओ। फ्रेंड्स, हेयर कट करते करते कुछ बातें भी हो जाएं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मेंस हेयर कट कहीं सीखा नहीं है अलग से, बस मैंने भी यूट्यूब पे ही कुछ वीडियोस देखी। और क्योंकि मुझे गर्ल्स का और वुमन हेयर कट आता है तो थोड़ा बहुत उसको मिला के ट्राई कर रही हूँ अपने हस्बैंड का हेयर कट करने को। और इसके पहले भी मैं एक दो बार कर चुकी हूँ तो ठीक ठाक हो जाता है, तो मैंने सोचा कि ना आप लोगों की हेल्प कर दी जाए थोड़ी सी, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस बार। साइड किया है मैंने, सेम प्रोसीजर में दूसरी साइड भी करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों का लॉकडाउन टाइम कैसा चल रहा है, कैसे टाइम पास कर रहे हो आप लोग, मुझे कमेंट करके बताओ ज़रा। और ये जो कान के ऊपर बाल आ गए उनको सिर्फ इतना ट्रिम करूँ कि वो सेम चीज़ में साइड भी रिपीट कर रही हूँ। ये साइड बर्न्स को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं एक्स्ट्रा ग्रोथ, बस उनको मैं कट कर रही हूँ। यहाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जैसे कि मैं यूएस में हूँ अभी, तो यहाँ पर तो लॉकडाउन होने के बाद भी लोग बाहर आ जा रहे हैं, और इसी वजह से शायद काफ़ी यहाँ पर नंबर्स बढ़ गए हैं, काउंट बढ़ गए हैं। कोरोना पॉजिटिव केसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो प्लीज़ गाइस, आप लोग अपने अपने घर में ही रहिए, क्योंकि उसके अलावा अभी हमारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है। तो बस जैसे हो पाए आप लोग ट्राई कीजिए टाइम पास करने के लिए।
कुछ अच्छा सीख लीजिए नया। आई नो बहुत बोरिंग हो जाता है कभी कभी। अब ये जो बाल है ना इसको थोड़ा सा कट करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा। बैक टू हेयर कट। यहाँ पर मैं पहले सब तरफ से सिर्फ रफली बाल सेट कर दे रही हूँ, उसके बाद हम क्राउन एरिया के शुरू करेंगे और फिनिशिंग। जो सेंटर के बाल हैं उनको पहले मैं सिर्फ आधा इंच कम करने वाली हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा छोटे नहीं। एक आप लोग अपने हिसाब से आइडिया ले लेना कि कितने छोटे करने हैं बालों को। हमेशा ये याद रखो कि यहाँ जो सेंटर के बाल हैं यहाँ के बाल छोटे रहेंगे और आगे के थोड़े बड़े रखने में। तो यहाँ का जो मैंने बाल बीच के कट किए हैं अब मैं उसी के अकॉर्डिंग सारे बाल कट करने वाली हूँ, बस फ्रंट के छोड़ के। ठीक है, तो मैंने ये जस्ट रैंडम ऐसे ही कट कर लिए हैं और उनको इक्वल कर रही हूँ। अब सारे बाल मैं इसी के बराबर करने वाली हूँ। और जैसे जैसे हम आगे आएंगे वैसे वैसे हम लोग थोड़े से बालों को बड़ा करते जाएंगे। एक्चुअली जो क्राउन एरिया के बाल हैं हम उनको हल्का सा बड़ा ही रखेंगे, जैसे मैंने बताया कि आगे आते आते थोड़ा सा बड़े करेंगे बाल। और साइड्स के आपने नॉर्मली देखा होगा, साइड्स के और पीछे साइड के बाल थोड़े से छोटे ही रहते हैं, बट क्राउन एरिया के हमें बाल थोड़े से बड़े रखना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हाथों का एंगल टिल्ट करके कट करना होगा, तो वो बड़े हो जाएंगे। मैं आपको अभी यहाँ दिखाती हूँ कि मैं कैसे बालों करूँ। को ऐसे एंगल में काटना है, इस टाइप से पकड़ें। साइड के बालों का एंगल हमेशा ऐसा ही रहेगा, इस टाइप से पकड़ें। और फिर जब ऊपर ये क्राउन के बाल पकड़ते हैं तो उसमें एंगल इस टाइप का रहेगा ऐसे में, और जब साइड का पकड़ेंगे तो ऐसे में। ठीक है, और ये जो फ्रंट के बाल हैं इनको हल्का हल्का मैं ऐसे ही जस्ट ट्रिम कर दे रही हूँ। ठीक है, और यहाँ के जब फ्रंट के बाल कट करना है तो थोड़ा सा हाथ को ऐसे ऊपर कर लीजिए और फिर कट करना है। ठीक है, मैं सेम इस साइड भी वही कर रही हूँ जो उस साइड किया था। यहाँ साइड के बालों के लिए एंगल आप देख लीजिए मैंने कैसा रख रखा है हाथों को, आपको भी ऐसे ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं जितना आपको बोल के नहीं समझा सकती हूँ उतना आप देख के समझ सकते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। मैंने इसलिए वीडियो ज़्यादा कट नहीं किया है, जस्ट स्पीड अप कर दिया है ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं और वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए कहीं।
ओके गाइस, अभी काफ़ी हद तक हो गए हैं बाल कट, लेके आओ। और जो फ्रंट की ये बाल हैं इनको ऐसे पकड़ा, हाँ इनको ऐसे पकड़ के जस्ट रफली चॉप करूँगी। यस, पापा का हेयर कट। हमेशा बालों का एंगल जब भी नीचे साइड कट कर रहे हैं तो छोटे रहेंगे, ऊपर जैसे जाते जाएंगे तो थोड़े से बड़े रहेंगे। तो मैं कोम को इस टाइप से रखती हूँ, या अपना उंगली जब भी पकड़ती हूँ तो ऐसे रखती हूँ ताकि ऊपर साइड कम बार पकड़ो और नीचे साइड थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो पहले ऐसे ही रैंडम थोड़ा सा कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमें नीचे भी ज़्यादा कट नहीं करना है। अभी कम पे बाल कर देना है, कम का एंगल अभी इसी के बराबर सारे बाल कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोग अगर ट्रिमर यूज़ करना जानते हैं और आप लोगों के पास है ट्रिमर, तो आप लोग ट्रिमर से भी कर सकते हैं हेयर कट, उससे काफ़ी इजी हो जाता है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे थे, लेकिन मुझे पता नहीं, थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ना कट जाए बाल, क्योंकि ये चीज़ से मुझे आइडिया है, तो इसलिए मैंने ट्रिमर यूज़ नहीं किया है इस वीडियो में कहीं भी। और अगर आप लोगों के पास है और आपको अच्छे से उसको यूज़ करना आता है तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे कट जाते हैं बाल, लाइक बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और बस आपको थोड़ा सा क्राउन के बाल की चीज़ें कट करने पड़ते हैं, बकाया आप साइड्स उसी से कवर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हो जाता है। मैं पूरा हेयर कट इसी से ही करने वाली हूँ। ये इस टाइप की सीज़र है, इससे मैं कट कर रही हूँ ताकि सारे बाल इक्वल लगे। यहाँ पर मैं ये वाली सीज़र यूज़ कर रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आप लोगों के पास नहीं है इस टाइप की कैंची और सीज़र, तो आप लोगों को मैं एक तरीका बताऊँगी, जो कि आप नॉर्मल कैंची, जो जिसे मैंने पूरा हेयर कट किया है, उस कैंची से भी आप ऐसे टेक्सचर ला सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मैं आपको वो तरीका भी बताऊँगी। अगर आपके पास ऐसा कैंची नहीं है तो आप वैसे ही कट कर लेना, अभी मैं थोड़ी देर में ही आपको बताती हूँ। बस इसमें आपको क्या करना है, ऐसे बाल लेना है और इनको कैंची को इस टाइप से चलाना है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बट ये भी काम करता है। ऐसे ही कोम में बाल फंसाओ और थोड़ा सा ऊपर करके फिर ऐसे ही रैंडम कैंची लगाना है। बस इसमें थोड़ा सा भी टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है बट हो जाता है इससे भी, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें कैंची को ऐसे नहीं रखना है, ना ही ऐसे रखना है, इसमें ऐसे खड़े में रखना है कैंची को थोड़ा सा, और ऐसे में चलाना है। क्योंकि मेरे पास ये वाली कैंची है तो मैं इसी से कर लेती हूँ, इसे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और ऐसा करने से बाल सारे वो लगते हैं और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, जैसा कि सलून में कर देते हैं ना वो लोग, तो खैर प्रोफेशनल लोग हैं तो वो उनको आइडिया रहता है, बट इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है गाइस। फर्स्ट में मैंने इसे 2-3 बार कर चुकी हूँ, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है इससे भी। और ऐसा करने से, और लास्ट में यहाँ पर फिनिशिंग के लिए मैं थोड़ा सा रेज़र चला रही हूँ, और बस हमारा हेयर कट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। गाइस आप लोगों को
ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो। ओके गाइस, आई एम डन। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।